तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं। और क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइकलीहुड एंड प्रोबेबिलिटी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एक बार आप यूट्यूब पे सर्च कर लोगे ना तो आपको लाइन से वीडियोस देखने लग जाएंगे। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस टॉपिक इज वेरी कंफ्यूजिंग, काफी कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा है कि मैं आपको पहले डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, मैं आपको पहले कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगा, और वो एग्जाम्पल्स जब आप एक बार देख लोगे ना, फिर मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है और लाइकलीहुड क्या होता है। प्रोबेबिलिटी आपको पहले से पता है, लाइकलीहुड आप सीख रहे हो, ठीक है। तो चलो लेट्स गेट डाउन एंड लेट्स अंडरस्टैंड थ्री एग्जाम्पल्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड लाइकलीहुड एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलो सो पहला जो एग्जाम्पल है बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है कॉइन टॉस। हमारे पास एक कॉइन है और ऑब्वियसली कॉइन को फ्लिप करना हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, तो आपको भी पता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और हमारे पास जो कॉइन है इट इज अ फेयर कॉइन। फेयर कॉइन है मतलब कि इस कॉइन में हेड आने का प्रोबेबिलिटी 0.5 है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ भाई, सिक्का एक बार उछाला गया तो टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, आप बहुत सिंपली क्या बोलोगे कि सिंस हेड आने का प्रोबेबिलिटी 0.5 है तो फिर ऑटोमेटिकली टेल आने का प्रोबेबिलिटी भी 0.5 होगा। सिंपल सी बात है, राइट। अब ये आपने कैसे निकाला, कॉमन अंडरस्टैंडिंग से, कॉमन सेंस लगाया आपने कि भाई अगर हेड आने का प्रोबेबिलिटी 0.5 है तो टेल आने का प्रोबेबिलिटी भी 0.5 होगा। बट इस बात को आप मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हो। कैसे? बहुत सिंपल है, यू कैन यूज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं तो आई रियली होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है जहां पे हम एक सिक्का उछाल रहे हैं और दो ही पॉसिबिलिटीज है, हेड और टेल आने की, तो कैन यू टेल मी ये एक्सपेरिमेंट कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा? जस्ट आई वुड लाइक टू सी कि आप लोगों को क्या लगता है। करेक्ट है, सिंपल है एकदम, आपको पता है कि ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, ठीक है। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, जहां पर आपका एक ट्रायल में एक एक्सपेरिमेंट का आउटपुट बाइनरी होता है, या तो 1 0 हेड टेल यस नो, दैट इज बाइनरी, सही बात है। अब आपको पता है कि बर्नौली जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है और उस पैरामीटर को पी बुलाया जाता है, ठीक है। जैसे इस केस में पी क्या है, पी है हेड आने का प्रोबेबिलिटी और वो क्या है 0.5। एक और पैरामीटर भी होता है, क्यू बोलते हैं उसको, और वो होता है 1 माइनस पी। तो इस केस में क्यू क्या हो गया, टेल आने का प्रोबेबिलिटी, और वो भी क्या हो गया 0.5। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ग्राफ भी पढ़ाया था, अगर आप ग्राफ प्लॉट करो इस बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का तो यहां पे है प्रोबेबिलिटी और यहां पे है आपका अलग अलग आउटकम्स, दिस इज 1 दिस इज 0। 1 आने का प्रोबेबिलिटी 0.5 और 0 आने का एज इन टेल आने का प्रोबेबिलिटी भी 0.5, दिस इज 0.5, दिस इज द ग्राफ, ठीक है। और एक चीज अगर आपको याद हो कि इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो होता है पीएमएफ, वो क्या होता है, पी टाइम्स के प्लस 1 माइनस पी टाइम्स 1 माइनस के, जहां पे के का वैल्यू या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हेड का प्रोबेबिलिटी आप पूछ रहे हो तो के का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली गोइंग बाय दिस लॉजिक पी एक्स क्या हो जाएगा, पी, और पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। और अगर के टेल है मतलब 0 हो जाएगा, तो पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये जस्ट एक रिविजन दिया मैंने आपको, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि एक सेकेंड तरीका है, मैथमेटिकल तरीका, जहां पे अगर आपसे पूछा जाता कि भाई बताओ इस सिक्के को उछालने पर टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपका के का वैल्यू क्या हो जाता, 0।
और इस इक्वेशन में जैसे ही आप जीरो को डालते तो फिर ये वाला टर्म जीरो हो जाता, ये वाला टर्म वन हो जाता और आपके पास बचता क्या, वन माइनस पी, और पी आपको ऑलरेडी पता है हेड आने का प्रोबेबिलिटी है तो 0.5, और आपका आंसर क्या आ जाता, 0.5। तो बहुत घुमा के हमने कान पकड़ा, बट यू अंडरस्टैंड कि ये पूरा का पूरा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप एक चीज नोटिस करो तो हमने किया क्या, हमें एक रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया गया विच इज बेसिकली कॉइन टॉस, और हमें पता है कि वो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। अब अगर वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है तो उसका एक पैरामीटर होगा पी, ये भी हमें पता है पी इज हेड आने का प्रोबेबिलिटी। और ये सब कुछ पता होने के बाद हमने क्या सवाल किया कि बताओ सिक्का उछालने पे टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो कि अगर आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता है, जैसे इस केस में हमें पता था कि बर्नौली है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स आपको दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि हमारा सिक्का फेयर है, जिसका मतलब हेड आने का प्रोबेबिलिटी 0.5 है, जिसका मतलब पी का वैल्यू 0.5 है, मतलब मुझे पैरामीटर्स पता है, तो फिर आप किसी इवेंट के होने का चांस जो कैलकुलेट करते हो उसी को प्रोबेबिलिटी बुलाया जाता है। जैसे इस केस में हम कौन से इवेंट का चांस निकाल रहे हैं, टेल आने का, और वो प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 0.5। तो आई नो बहुत घुमा के कान पकड़ा है, बहुत घूम करके उसी जगह पे आए हैं, बट मैं बस आपको एक सिंपल सी चीज समझाना चाह रहा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कि जब आपके पास कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है कॉइन फ्लिप, आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन पता होता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन पता है मतलब आपको उसका पैरामीटर पता है पी का वैल्यू, ये सब कुछ अगर आपको पता है तो फिर अगर आपसे किसी इवेंट के होने का चांस निकालने को बोला जाए तो उस चांस को आप प्रोबेबिलिटी बुलाते हो। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। सिंपल, गिवन यू नो समथिंग अबाउट योर रैंडम एक्सपेरिमेंट, कैन यू टेल मी ये इवेंट के होने का चांस कितना है, दैट इज वॉट प्रोबेबिलिटी इज। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि लाइकलीहुड क्या होता है, लाइकलीहुड क्या होता है। सो लाइकलीहुड इसी सेम चीज को देखने का उल्टा तरीका है, मतलब पर्सपेक्टिव चेंज करने की बात कर रहा हूं, नजरिया बदलने की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। सो मैंने क्या किया, इसी सिक्के को 5 times फ्लिप किया, 5 times फ्लिप किया, एंड गेस व्हाट, 5 बार हेड आया, ठीक है। अब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि यार 5 बार हेड कैसे आ रहा है, अगर 5 बार हेड आ रहा है तो फिर व्हाट इज द प्लॉजिबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 0.5, और सिंपली पुट कॉइन इज फेयर। समझना इस बात को, दिस इज व्हाट लाइकलीहुड इज, कि मैंने इस सिक्के को पकड़ा, मुझे पता है कि इसका हेड आने का प्रोबेबिलिटी 0.5 है, या मुझे बताया गया, किसने मुझे बोला, ये सिक्का दिया और बोला कि देख भाई ये फेयर कॉइन है, मैंने 5 बार उछाला, 5 बार क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, तो ऑब्वियसली मेरे दिमाग में डाउट आया कि यार मुझे तो बताया गया था कि फेयर है मतलब 0.5 है हेड आने का प्रोबेबिलिटी, बट 5 बार हेड आ रहा है, तो फिर व्हाट इज द प्लॉजिबिलिटी, व्हाट आर द चांसेस कि सच में ये फेयर कॉइन है, ये डाउट इज व्हाट लाइकलीहुड इज। सो देखना मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा इस लाइकलीहुड को, खुद सोचो अगर प्रोबेबिलिटी 0.5 है तो ये हेड आने का प्रोबेबिलिटी 0.5 होता, इसका भी 0.5 होता, सभी का 0.5 होता, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो बेसिकली द लाइकलीहुड इज 0.5 रेज टू द पावर 5, विच इज अ प्रिटी स्मॉल नंबर, विच इज अ वेरी स्मॉल नंबर। तो इसका क्या मतलब हुआ
कि ये लाइकलीहुड इज स्मॉल, तो मैं इसको कैसे बोलूंगा, द लाइकलीहुड दैट द कॉइन इज फेयर गिवन 5 टाइम हेड इज कमिंग इज वेरी लो। और ये बहुत लॉजिकल है ना, अगर कोई कॉइन फेयर है तो उसका 5 बार लगातार हेड आने का प्रोबेबिलिटी वुड बी वेरी लो। ठीक है, तो इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने प्रोसेस पलट दिया। लास्ट टाइम क्या था, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते टाइम मेरे पास पैरामीटर था और मैं उससे एक इवेंट के होने का चांस कैलकुलेट कर रहा था। बट अब मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे पास इवेंट है, इवेंट क्या है, 5 बार सिक्का उछालना, 5 बार हेड आना, तो मेरे पास इवेंट है, इसको आप डेटा भी बोल सकते हो। और अब मैं किस चीज की प्रोबेबिलिटी लाइकलीहुड कैलकुलेट कर रहा हूं कि क्या पैरामीटर ये है, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड लाइकलीहुड, आई विल रिपीट दैट। सो आपके पास अगर पैरामीटर की वैल्यू हो और आप एक इवेंट के होने का चांस कैलकुलेट करते हो, दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। बट अगर आपके पास इवेंट ऑलरेडी है और उस इवेंट के बेसिस पे आप इस पैरामीटर को क्वेश्चन कर रहे हो कि यार ये पैरामीटर ये है, इसका प्लॉजिबिलिटी कितना है, इसका लाइकलीहुड कितना है, दिस थिंग इज नोन एज लाइकलीहुड। ठीक है, खुद सोच के देखो। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसी ने मुझे बोल दिया कि यार ये सिक्का बायस्ड है, तुम हेड आने का प्रोबेबिलिटी 0.7 है, इसका मतलब क्या है, 70 times हेड आता है। ठीक है, अब मैंने सिक्का उछाला और 5 बार हेड आया, ठीक है, तो अब मैं लाइकलीहुड कैलकुलेट करूंगा तो वो क्या होगा, 0.7 raised to the power 5। डोंट यू थिंक दिस इज ग्रेटर देन 0.5 raised to the power 5। सो इससे क्या समझ में आया कि अगर 5 बार हेड आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 0.7 होने का लाइकलीहुड ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 0.5 हो। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। सो इट्स बेसिकली रिवर्स पर्सपेक्टिव। मैं एक बार एक डायग्राम बना के आपको दिखाता हूं। अगर आपके पास पैरामीटर है और आप उससे किसी इवेंट के होने का चांस कैलकुलेट करते हो, इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। और अगर आपके पास इवेंट ऑलरेडी है या आप उसको डेटा बुला लो और आप उससे ये पता करने की कोशिश करते हो कि पैरामीटर कितना जस्टिफाइड है, दिस थिंग इज नोन एज लाइकलीहुड एंड दैट्स द मेन डिफरेंस। यही होता है मेन डिफरेंस। बट आई नो आई स्टिल फील कि कंफ्यूजन अभी भी हो सकता है, दैट इज व्हाई व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। ठीक है, इनफैक्ट आई विल गिव यू टू मोर एग्जांपल्स बिकॉज मैं आपके दिमाग में ऐसे बिठाना चाहता हूँ इस कॉन्सेप्ट को कि आपको दोबारा क्लास देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल। प्रोबेबिलिटी में आपने ये एग्जांपल्स देखे होंगे बहुत। सो हमारे पास एक बैग है जो कि बंद है और उस बैग में 3 red balls हैं, 2 green balls हैं। ठीक है, अब क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा बेस्ड डेटा के ऊपर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल इन दिस डेटा इज 2/5। ठीक है, एंड सिंपल लॉजिक है, दूसरा बॉल रेड है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज 3/5। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मैं काम करता हूं, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी को हटा देता हूं। लेट्स जस्ट कीप प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, बस इसको लेके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि अगर मैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करूं जहां पे मैं एक बार इस बैग में हाथ घुसा के एक बॉल को निकाल रहा हूं, तो यू हैव टू फर्स्ट टेल मी कि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। दिस इज द क्वेश्चन, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जहां पे आई वुड लाइक यू टू आंसर दिस क्वेश्चन कि इस बैग में 2 तरह की बॉल्स हैं, मैं हाथ डाल के एक बॉल को निकाल रहा हूं,
तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा? कम ऑन, वेरी सिंपल यार, मतलब कुछ भी नया नहीं है. एक बार निकाल रहा हूं मतलब एक ट्रायल है, और आउटकम्स कितने हो सकते हैं? या तो बॉल रेड होगी या तो बॉल ग्रीन होगी. सही बात है, दो आउटकम्स हैं एक ट्रायल से, मतलब बर्नौली है. ठीक है, बर्नौली है. यहाँ पे पी क्या है? पी है ग्रीन बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी, जो कि है 2/5. अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे इस बार, तो ये है ग्रीन बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी, ये है रेड बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी. इस बार आपका ग्राफ ऐसा दिखाई देगा बिकॉज रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी इस बार ज्यादा है. ठीक है, अब मैं अगर आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि मैंने हाथ डाला, एक बॉल निकाली, बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड? बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस के बेसिस पे आप बोल सकते हो कि 3/5, या फिर ये जो फॉर्मूला आपको मैंने बताया था इसके बेसिस पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. यहां पर के का वैल्यू हो गया 0, तो ये वाला टर्म हो गया 0, ये वाला टर्म हो गया 1, बचा क्या? 1 - p. p क्या है? 2/5, तो 1 - 2/5 क्या हो गया? 3/5. तो ये मैथमेटिकल तरीका हो गया निकालने का. तो फिर से हमने क्या किया, हमें पैरामीटर पता था और हमने एक इवेंट के होने का चांस कैलकुलेट किया, और इसी को हम क्या बुलाते हैं? प्रोबेबिलिटी. ठीक है, अब ध्यान से देखो, सेम एग्जांपल में वी विल डिस्कस लाइकलीहुड कैसे आएगा. सो मैंने क्या किया, मैंने 5 balls 1 by 1 निकाली. एक बार निकाला, फिर दूसरी बार निकाला, फिर तीसरी बार निकाला, फिर चौथी बार निकाला, एंड गेस व्हाट, सारी की सारी बॉल्स ग्रीन आई. अब मेरे दिमाग में डाउट आ गया कि यार बैग में कहीं सारी बॉल्स ग्रीन तो नहीं है, बट मुझे तो बताया गया है कि ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है. तो अब मुझे क्या करना है, बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्व्ड डेटा और इवेंट, आई हैव टू फाइंड आउट कि ये पैरामीटर, ये गिवन पैरामीटर कितना पॉसिबल है. और ये मैं कैसे निकालूंगा? बहुत सिंपल है, मैं 2/5 raised to the power 5 कर दूंगा, एंड ऑब्वियसली दिस नंबर विल बी अ स्मॉल नंबर, विच विल अगेन टेल मी कि बेस्ड ऑन दिस डेटा ग्रीन होने का प्रोबेबिलिटी 2/5 हो, ये बहुत ही कम लाइकलीहुड है. राइट, अब खुद सोचो, अगर चार बॉल्स ग्रीन होती तो फिर हमारा पैरामीटर का वैल्यू कितना होता? 4/5. और फिर अगर पांचों बॉल्स ग्रीन आती तो इसका लाइकलीहुड कितना हो जाता? 4/5 raised to the power 5. एंड ऑब्वियसली ये इससे तो ज्यादा होगा, तो आई कैन से कि अगर मेरी पांचों बॉल ग्रीन आ रही है तो मेरा पैरामीटर का वैल्यू 4/5 हो, इसका लाइकलीहुड इज हाई, एंड दैट इज व्हाट लाइकलीहुड इज. फिर से मैं आपको एक चार्ट बना के दिखा दे रहा हूं, अगर आप पैरामीटर की तरफ से इवेंट की तरफ जा रहे हो, दिस इज प्रोबेबिलिटी, और अगर आप इवेंट एज इन डेटा की बेसिस पे पैरामीटर के बारे में कुछ बोलना चाह रहे हो, दिस इज लाइकलीहुड. इट्स बेसिकली एक ही टनल में दो साइड से देख रहे हो, इस साइड से देख रहे हो तो प्रोबेबिलिटी है, उस साइड से देख रहे हो तो लाइकलीहुड है, एंड दैट इज वाई दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, बिकॉज समझ नहीं आता क्या बात चल रही है. बट मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए, बट अगेन आई विल नॉट स्टॉप हेयर बिकॉज आई रियली फील एकदम डीप आपके दिमाग में ये बात बिठानी है, तो आई विल गिव यू द थर्ड एग्जांपल. अभी तक दोनों जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए बोथ वर डिस्क्रीट, जहां पे आउटपुट 1 और 0 था और बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा था. नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. आपको पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. थोड़ी देर के लिए मान लो कि हम लोगों की हाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल है, कुछ भी हाइट हो सकता है, और हमारे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका म्यू है
150 सेंटीमीटर और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब खुद सोचो, इस केस में भी सब कुछ सिमिलर है, आपको पहले से एक डिस्ट्रीब्यूशन पता है। डिस्ट्रीब्यूशन पता है मतलब उसके पैरामीटर्स पता है, ठीक है। अब आपसे अगर किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने का चांस कैलकुलेट करने को बोला जाएगा तो बाय डेफिनेशन वो प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। तो मान लो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई 170 से लेके 180 के बीच में किसी की हाइट हो, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो बेसिकली गिवन दिस डिस्ट्रीब्यूशन एंड गिवन दीज पैरामीटर वैल्यूज, आपसे पूछा जा रहा है एक इवेंट के होने का चांस, और वो इवेंट क्या है कि किसी आदमी को आपने रैंडमली उठाया उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर से, तो उसका हाइट 170 से 180 के बीच में हो, इस बात का प्रोबेबिलिटी क्या है। आपको पता है कैसे निकालना होता है, आप बेसिकली इस पीडीएफ में ये एरिया कैलकुलेट कर दोगे, ठीक है। ये सब आपको मैंने सिखा रखा है, मैं आपको डायरेक्ट टूल के थ्रू भी दिखा सकता हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेटर पे जाना है आपको, कोई भी कैलकुलेटर चलेगा, ये आप वैसे टेबल्स वगैरह देख के भी कर सकते थे। या सो मुझे चाहिए है, ये मेरा म्यू है 150, मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन है 10, मुझे पता करना है कि 170 से 100, अरे इसमें तो बस ग्रेटर देन का ऑप्शन आ रहा है, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, जस्ट गिव मी वन सेकंड, आई विल शो यू। या दिस इज फाइन, हमारा मीन है 150, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है 10, हमें चाहिए है बिटवीन 170 एंड 180, बेसिकली ये एरिया चाहिए, एंड दिस इज द आंसर, दिस इज द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिटवीन 170 एंड 180 इज 0.02। और अभी आपने जस्ट गिवन एक डिस्ट्रीब्यूशन, गिवन पैरामीटर वैल्यूज, इस इवेंट के होने का चांस निकाला, एंड वी आर कॉलिंग इट प्रोबेबिलिटी। नाउ इस केस में लाइकलीहुड क्या है वो देखते हैं, ध्यान से देख, बहुत सिंपल है। सो मान लो हमने रैंडमली एक बंदे को उठाया, मान लो उस बंदे की हाइट है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दिस डेटा और दिस इवेंट, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट कि वॉट इज द लाइकलीहुड कि हमारा पैरामीटर का वैल्यू 150 और 10 हो। दिस इज म्यू, दिस इज सिग्मा, समझ रहे हो। इस बार हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि गिवन एक रैंडम डेटा पॉइंट का हाइट 100 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द लाइकलीहुड कि वो इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, और ये कैसे कैलकुलेट होगा, बहुत सिंपल है। आप इसको ऐसे लिखते हो, लाइकलीहुड ऑफ म्यू कॉमा सिग्मा गिवन एक्स इक्वल टू 100 विल बी इक्वल टू 1/, ये फॉर्मूला शायद आपको याद होगा, ये फॉर्मूला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, और यहां पे बस आप x में क्या डाल दोगे, 100 डाल दोगे, और जैसे ही आप 100 डालोगे और म्यू का वैल्यू ऑब्वियसली रहेगा 150 और सिग्मा का वैल्यू रहेगा 10, बिकॉज हम यही मान के चल रहे हैं, ये मान के हम चल रहे हैं, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी इसी को बोला जाएगा लाइकलीहुड। लेट मी शो कितना आएगा ये वैल्यू, मैंने एक फंक्शन लिख रखा है, दिस इज द फंक्शन। इस फंक्शन में आपको तीन चीजें देनी है, x जो हमारे केस में 100 है, म्यू जो हमारे केस में 150 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारे केस में 10 है, और ये जो अब निकल के आया बहुत ही छोटा नंबर 1.48 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1.47 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -7, वेरी स्मॉल। इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन दिस डेटा पॉइंट आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर का वैल्यूज ये हो,
इसका लाइकलीहुड इज अ वेरी स्मॉल नंबर एंड दैट इज दिस एंड दिस इज व्हाट लाइकलीहुड इज गिवन अ डेटा. आप अपने पैरामीटर की वैल्यूज का चेक करते हो कि वो कितना सही साउंड कर रहा है. अगर व्हाट इफ मैं ये करूं कि रादर देन 100, मान लो मैंने जिस रैंडम पॉइंट को उठाया वो 130 होता, तो फिर व्हाट इज द लाइकलीहुड कि वो इस डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग करेगा. ये देखो थोड़ा सा लाइकलीहुड बढ़ गया. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 100 के बदले 130 होता तो ये वाले पैरामीटर्स ज्यादा जस्टिफाइड होते. ठीक है, अगर मैं इसको 140 कर दूं तो और ज्यादा जस्टिफाइड होते. अगर मैं इसको 200 कर दूं तो फिर से कम हो गया. समझ में आ रहा है कैसे एक रैंडम वैल्यू को मैं उठा रहा हूं और उसकी वैल्यू से फर्क पड़ रहा है पैरामीटर के कॉन्फिडेंस पे. ठीक है, सो दिस इज व्हाट लाइकलीहुड इज. मैं फिर से जस्ट टू समराइज दिस डिस्कशन, पैरामीटर नोन है, डिस्ट्रीब्यूशन नोन है, और अगर आप किसी इवेंट के होने का चांस निकाल रहे हो इसको प्रोबेबिलिटी बुलाया जाता है. बट अगर इवेंट नोन है या फिर डेटा अवेलेबल है तो पैरामीटर को जस्टिफाई करने का जो प्रोसेस है उसको लाइकलीहुड बुलाया जाता है. एंड दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड लाइकलीहुड. यही आपको समझना है. मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिए और अब मैं आपको एक फॉर्मल डेफिनेशन देता हूँ जिससे थोड़ा अब समरी हो. सो यहाँ पे देखो दोनों डेफिनेशंस लिखे हैं प्रोबेबिलिटी और लाइकलीहुड के. दिस इज द मेजर ऑफ द चांस दैट अ सर्टेन इवेंट विल अकर आउट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स. इट्स यूजुअली प्रेजेंटेड एज अ रेशियो और फ्रैक्शन एंड इट्स रेंज फ्रॉम 0 to 1. वेयर एज लाइकलीहुड इन स्टेटिस्टिकल कॉन्टेक्स्ट, लाइकलीहुड इज अ फंक्शन दैट मेजर्स द प्लॉजिबिलिटी, ये वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा था, ऑफ अ पर्टिकुलर पैरामीटर वैल्यू गिवन सम ऑब्जर्व डेटा. यही इसका मतलब, किसी ऑब्जर्व्ड डेटा के बेसिस पे किसी पैरामीटर की वैल्यू का प्लॉजिबिलिटी क्या है उसी को आप लाइकलीहुड बुलाते हो. इट क्वांटिफाइज हाउ वेल अ स्पेसिफिक आउटकम सपोर्ट्स स्पेसिफिक पैरामीटर वैल्यू. हाइट अगर 100 है तो कितना जस्टिफाइड है मीन का 150 होना. अगर हाइट 200 है तो कितना जस्टिफाइड है मीन का 150 होना. दिस इज वॉट लाइकलीहुड इज. ठीक है, एक और मैंने ऑल्टरनेट डेफिनेशन यहां पे दिया है. अ प्रोबेबिलिटी क्वांटिफाइज हाउ ऑफन यू ऑब्जर्व अ सर्टेन आउटकम ऑफ अ टेस्ट गिवन अ सर्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अंडरलाइंग डेटा. मतलब पैरामीटर वैल्यूज पता है. और अ लाइकलीहुड क्वांटिफाइज हाउ गुड वंस मॉडल इज गिवन अ सेट ऑफ डेटा दैट हैज बीन ऑब्जर्व्ड. दो ऑपोजिट तरीके हैं चीजों को देखने के. तो या दिस वॉज द डिस्कशन. आई होप मैं आपको समझा पाया फर्स्ट ऑफ ऑल कि लाइकलीहुड होता क्या है. प्रोबेबिलिटी तो चलो आपको पहले से पता है, बट लाइकलीहुड क्या होता है वो मैं आपको समझा पाया विद द हेल्प ऑफ दीज 3 एग्जांपल्स. मैंने एग्जांपल्स में वैरायटी रखा था, मैंने डिस्क्रीट भी लिया और मैंने कंटिन्यूअस भी लिया और दोनों को लेके आपको समझाया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड लाइकलीहुड.